Hello everyone, in OC lecture 12th commerce, today we are going to start with a new chapter and the name of the chapter is Entrepreneurship Development. It is chapter number 3 in your ebook. Let's start with the introduction first. Before starting with the introduction, as we already know, there are many goals of a parent, of a teacher, behind a student, and every time they pressurize student to study in good manner so that they can score good marks and they can achieve their goals. But in reality, what is the goal of a student? Every person wanted to be a successful person in his life, right? So success kaise milega? Aur aaj ki tarikh mein jo teachers hain, parents hain ya jo bhi friends hain, हम देखते हैं ज्यादातर स्टडी करने के लिए लोग जब प्रेशराइज करते हैं तो उनके मुंह से यही बात निकलती है, अच्छे से पढ़ ले नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी, राइट है? अच्छे जॉब के लिए अच्छे से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है. तो हर बार ज्यादातर ऐसा होता है, नॉट विथ एवरीवन, हर एक पेरेंट्स ऐसा नहीं होता, बट हर बार हमें यही बताया जाता है कि जॉब करना है, अच्छा जॉब करना है, अच्छा जॉब रहेगा तो अच्छा पैकेज मिलेगा और उससे हम लोग लाइफ में सेटल हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? सेटल हो सकते हैं. बट अगर इसके अलावा हमें ऐसा बोला जाए कि आपको ओनर बनना है ना, जॉब करना है, मतलब क्या होता है, आप किसी के यहाँ पे जॉब करोगे और हिंदी में उसे हम क्या बोलते हैं, नौकरी करना, है ना. ये नौकरी कौन से वर्ड से बना है, नौकर. तो अल्टीमेटली कई लोग हमें बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई कर ले तो हम अच्छा नौकर बन सकते हैं, है ना. अभी हिंदी में बोलते हैं तो कैसा लगता है, बट इंग्लिश में बोलेंगे तो अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से जॉब करना है कि नहीं. तो यहां पर उसी के अंदर ये चैप्टर स्पेसिफिकली हमको इसलिए डाला गया है सो दैट वी कैन लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. हम खुद एक मैन्युफैक्चरर कैसे बन सकते हैं, एक बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं, और ये चैप्टर हमको इसके बारे में पूरा नॉलेज देता है. जब हम जॉब ना करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो ना सिर्फ हम अपने आप को एम्प्लॉयमेंट देते हैं बल्कि अपने फैक्ट्री में या अपने शॉप में या अपने बिजनेस में और 10 से 20 लोगों को क्या देते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं. दैट मींस वी आर नॉट जॉब सीकर, वी आर जॉब प्रोवाइडर. वी आर क्रिएटिंग जॉब, वी आर गिविंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स. और यही हमारी थिंकिंग होनी चाहिए कि हम मार्केट में जॉब क्रिएट करें ना कि जॉब ढूंढें. हाँ, हो सकता है इनिशियली हमारे पास कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम हो, तो इनिशियल लेवल पे कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, मार्केट का वर्किंग देखने के लिए आपको जॉब करना चाहिए. जॉब नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, बट हमारा ध्येय, हमारा गोल एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमेशा रहना चाहिए कि हम क्या बने, एंटरप्रेन्योर बने. कुछ कैपिटल जमा करने के बाद हमें हमेशा सोचना चाहिए कि कौन सा बिजनेस सेटअप मेरे लिए सुटेबल रहेगा, मैं कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता हूं. और ये वो चैप्टर है जो हमें इसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब. देखो यहां पर भी क्या बता दिया, फुल टाइम जॉब. यहां पर जॉब का मतलब क्या है, काम, कि आप फुल टाइम के लिए एंगेज हो जाते हो. कोई पर्सन अगर जॉब पे जाता है, किसी की सर्विस करता है ना, तो कभी ना कभी उसका क्या एक एंड पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड होता है, कि अगर मॉर्निंग में वो 9 o'clock को गया है
तो इवनिंग में 7 o'clock 8 o'clock या 9 o'clock तक उसका जॉब खत्म होगा, वो घर पे आएगा। अब घर पे आने के बाद उसको जॉब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, है कि नहीं? बट एक एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होता, वो संडे हो, मंडे हो, हॉलीडे हो, फेस्टिवल हो, उसके दिमाग में हमेशा अपने बिजनेस के बारे में एक्टिविटीज चलती रहती है। तो इसके लिए इसको क्या बोला गया है, फुल टाइम जॉब, यू आर नॉट फ्री, विच रिक्वायर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तो एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए, फुल टाइम जॉब करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग हार्ड वर्क नहीं करते, सिर्फ जो जॉब पे जाते हैं वो लोग हार्ड वर्क करते हैं, ऐसा नहीं। आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, है ना, हमारे लिए फेस्टिवल्स होते हैं, बट उनके लिए फेस्टिवल भी क्या है, एक मार्केट है ना। दिवाली में आप शायद घर पे बैठते होंगे या फ्रेंड्स के पास जाते होंगे, रिलेटिव्स के पास जाते होंगे, बट जो शॉपकीपर है ये तो उनका मेन बिजनेस का टाइम है, उनको दुकान पे रहना पड़ता है कि नहीं? होली हो, दिवाली हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो उनके लिए वो सेलिब्रेशन नहीं होता। तो कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कितना डेडिकेशन देते हैं, कितना हार्डवर्क पुट करते हैं, तो जाके वो अर्न करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, कौन होते हैं, इनोवेटर्स। इनोवेटर्स का मतलब क्या होता है, कुछ नई चीजें लेकर के जो आते हैं ना उनको बोलते हैं इनोवेटर्स, ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट, कुछ नया करके दिखाना। दे आर ओनर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केट क्रिएटर्स, डिसीजन टेकर्स एंड रिस्क टेकर्स। देखो कितने सारे रोल है उनके, वो मालिक भी है, प्रोड्यूसर मतलब प्रोडक्शन की एक्टिविटी संभालते हैं, मार्केट क्रिएटर, किसी प्रोडक्ट का अगर मार्केट नहीं है तो वो मार्केट भी क्रिएट करते हैं, डिसीजन लेते हैं अपने बिजनेस में, और अल्टीमेटली सबसे बड़ा काम जो होता है एंटरप्रेनर का वो क्या है, रिस्क बियरिंग, दैट मींस रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो वो रिस्क लेते हैं मार्केट, ये सब लोग नहीं कर सकते। मैं बीच में एक पर्सन का वीडियो देख रहा था, स्पीच था उसका, उससे पब्लिक में से किसी व्यक्ति ने एक क्वेश्चन किया कि सर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मालूम ना आपको, पूंजीवाद। पूंजीवाद में क्या होता है, हमेशा हम लोग पैसे के बारे में सोचते हैं, और सक्सेसफुल पर्सन वही होता है जो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, कैपिटल क्रिएट करता है। तो वो व्यक्ति ने उससे पूछा कि अगर वर्कर्स ही सारा काम करते हैं, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है, गुड्स का प्रोडक्शन जो होता है वो कौन करता है, वर्कर करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, वर्कर करते हैं, तो जब सरप्लस प्रॉफिट होता है, हाई प्रॉफिट होता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किसको देना चाहिए, वर्कर को देना चाहिए, क्योंकि अगर वर्कर ना होते तो गुड्स को प्रोड्यूस कौन करता। जबकि उल्टा होता है, होता क्या है, जो प्रोड्यूसर होते हैं या जो एंटरप्रेनर्स हैं, जो ओनर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये जो सरप्लस प्रॉफिट है ना वो ले लेते हैं, वर्कर्स तक सरप्लस प्रॉफिट जाने देते नहीं, या जाने भी देते हैं तो बहुत कम उनको उसमें से उनका परसेंटेज मिलता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, उस व्यक्ति का ऐसा क्वेश्चन था। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, ऐसे ही होता है, ज्यादातर जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो किसके पास जाता है, ओनर के पास जाता है, वर्कर के पास बहुत कम पहुंचता है। तो ये जो व्यक्ति था जिसका नाम है, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, इसका नाम है बेन शपीरो, ठीक है, तो आप कभी इसका स्पीच सुनना। तो इसने उस व्यक्ति को आंसर दिया कि देखो आपकी बात सही है कि अगर सरप्लस प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, तो वर्कर को देना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। बट मुझे एक बात बताइए, अगर कंपनी डूबेगी, मान लो कंपनी को नुकसान हुआ, तो जेब से पैसा किसका जाएगा, ओनर का जाएगा कि वर्कर का जाएगा, वर्कर को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सैलरी नहीं मिलेगी, बट जो नुकसान की भरपाई है उसमें क्या वर्कर आएगा कंट्रीब्यूट करने कि नहीं नहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हम भरपाई करने के लिए रेडी है, ऐसा बोलेगा क्या वर्कर, नहीं। ये कैपिटल किसने क्रिएट किया, ओनर ने क्रिएट किया। ये सिस्टम किसने प्रोवाइड किया, ओनर ने प्रोवाइड किया। ये रिस्क किसने लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिस्क किसने लिया, ओनर ने रिस्क लिया है ना, जो कि वर्कर लेता नहीं है। और इसी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के लिए वो क्या करता है,
सरप्लस प्रॉफिट अपने पास रखता है। वर्कर का तो क्या है, वर्कर आज हम लोग किसी को भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देंगे, कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, थोड़ा महंगा होगा और क्या होगा, है कि नहीं? अगर किसी फैक्ट्री में पेंसिल ही बनानी है तो वर्कर की कमी है क्या? बट हमेशा कमी किसकी रहती है, ओनर्स की कमी रहती है, रिस्क बियरर्स की कमी रहती है। ये बात समझ में आई आपको? एंटरप्रेनर्स आर रेफर्ड टू एज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, हमने देखा चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेनर, राइट है ना, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेनर। तो इसमें जो फोर्थ फैक्टर है, कौन सा फैक्टर, फोर्थ फैक्टर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेनर बोलते हैं। अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स सच एज लैंड लेबर एंड कैपिटल, देखो उनका भी नाम ले लिया, दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सो दे आर द बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो क्या करते हैं ये लोग, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, मैंने इनिशियली बात की आपको कि अगर आप जॉब ढूंढोगे, इफ यू आर अ जॉब सीकर, देन मे बी यू कैन एम्प्लॉय योर सेल्फ। बट जब आप जॉब प्रोवाइडर बनते हो, एम्प्लॉयर बनते हो, एंटरप्रेनर बनते हो ना, तो आप क्या करते हो, 10-20 लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हो, विच इज मच बेटर देन अ जॉब सीकर। तो यहां पर जो एंटरप्रेनर है वो क्या करता है, नेशन के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हेल्प करता है, वो उसका बैकबोन है, ठीक है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एंटरप्रेनर का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी कंट्री अपने एंटरप्रेनर के दम पे आगे बढ़ सकती है, ग्रो कर सकती है। इसके लिए देखो कोई भी कंपनी है, डेवलपिंग हो डेवलप्ड हो, वो क्या करती है, जब भी कोई बड़ा उनको कदम उठाना होता है, कोई न्यू पॉलिसी बनानी होती है, तो वो अपने एंटरप्रेनर से जरूर कंसल्ट करते हैं। हिस्ट्री, इन अर्ली 16th सेंचुरी द टर्म एंटरप्रेनर वॉज यूज बाय फ्रेंचमैन टू डिनोट मैन लीडिंग इन मिलिट्री एक्सपेक्टेशन। तो जो मिलिट्री में जो लोग लीडर थे, पहले उनको एंटरप्रेनर बोला जाता था। मिलिट्री के अंदर जो लीडर होते थे उनको क्या बोला जाता था, एंटरप्रेनर। तो ये वर्ड किसने यूज किया था, फ्रेंचमैन, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं, 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, ठीक है, तो इसका ध्यान रखो। फ्रेंचमैन किसको डिनोट करते थे, मैन लीडिंग इन मिलिट्री एक्सपेक्टेशन। अराउंड 1700 AD the term was used in France for contractor or architect. तो इस era के अंदर जो contractors होते थे, है ना, contract लेने वाले person, जैसे आपको अपना घर या बंगला बनाना है तो आप किसी को contract दोगे, तो वो जो contractor है या जो architect है उसको हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग नहीं, France में क्या बोला जाता था, entrepreneur ऐसा बोला जाता था, ठीक है। 18th century में, by the early 18th century, the term was applied to business. फिर ये term कहाँ use होने लगा, business and economic activity में। तो ये कौन कर रहा था use, French economist Richard Cauchelin, ठीक है। तो ये word use करते थे entrepreneur। तो ये हमको थोड़ा history बताया गया, इसको आप एक बार फिर से read कर लीजिए। In 1848, the famous economist कौन, John Stuart मिल डिस्क्राइब, तो ये जो पर्सन है इकोनॉमिस्ट, इन्होंने डिस्क्राइब किया एंटरप्रेनरशिप एज फाउंडिंग ऑफ अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो जो लोग प्राइवेट एंटरप्राइजेस की स्थापना करते थे उनको एंटरप्रेनरशिप बोला जाता था। किसने ये स्टार्ट किया, वह जॉन स्टर्ट मिल ने, कब स्टार्ट किया, 1848, ठीक है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया की अगर बात करें, Several factors are responsible for the slow growth of entrepreneurship pre-independence India. अभी इंडिया को देखिए तो पिछले हजार साल से तो ये गुलामी में ही जी रहा था, है कि नहीं, पहले मुगलों की गुलामी की, फिर अंग्रेज आ गए, है कि नहीं। तो यहां पर
बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे ऐसे मैटर है जिन्होंने इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होने दिया नहीं, जबकि ये सबके पहले भारत को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर हर एक बिजनेस हर एक के घर में चलता था, जिसको हम गृह उद्योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गृह उद्योग। हर एक पर्सन अपने आप में कौन था? बिजनेसमैन था, है ना। छोटे छोटे जो ब्लैक स्मिथ होते थे, पॉटर होते थे, हर एक व्यक्ति बिजनेसमैन था, बिजनेस करता था। लेकिन जैसे जैसे हम गुलाम होते गए, हमारे अंदर से जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल थी वो क्या होती गई? निकलती गई। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया जिससे जो भी व्यक्ति ये एजुकेशन सिस्टम में एनरोल होगा वो जॉब के लिए तैयार होता है, और ऐसा जॉब के लिए तैयार होता है कि उस पर्सन को किसी भी स्टेट में, किसी भी नेशन में आप डाल दो, वो आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया गया जिससे सिर्फ नौकर ही बन के निकलते हैं, आप एक बेटर जॉब कर सकते हो। और मैं तो जो पहले का एंशियंट टाइम था जहां पर गुरुकुल चला करते थे, 5 साल की उम्र तक बच्चे अपने पेरेंट्स के पास रहते थे, 5 साल के बाद ये पेरेंट्स अपने बच्चों को गुरु के हाथ में सौंप दिया करते थे, और 5 साल से 18 या 20 साल की उम्र तक या 14 या 17 साल की उम्र तक ये बच्चे क्या करते थे? अपने गुरु के पास शिक्षा लेते थे, और वो गुरु उनको इंडिपेंडेंट बनना सिखाते थे, खुद से वो कुछ कर सके ऐसा वो बनना सिखाते थे। आपने देखा होगा कई बार टीवी सीरियल्स में, जो महाभारत रामायण होता है उसमें कई बार ऐसा दिखाया है कि गुरु शिष्य परंपरा कैसी होती है। बट ये सब कब होता था? एंशियंट टाइम पे होता था। अभी बहुत कम ऐसे बोर्डिंग स्कूल रह गए हैं या गुरुकुल रह गए हैं जहां पर ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है। बट इसमें यहां पर हमको ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है, हमारी एंशियंट टाइम के बारे में आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। यहां पर क्या हमको बताया जा रहा है? एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया के स्वतंत्र होने के पहले बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप हो पाया नहीं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंस हमें मिला, द इंडस्ट्रियल बेस ऑफ आर इकोनॉमी वॉज वेरी पुअर। इंडिया जो पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, ब्रिटिशर्स ने एकदम उसको चूस लिया। चूस लिया मतलब पूरा का पूरा जो यहां से प्रोडक्टिविटी जनरेट होता था, इनकम जनरेट होता था, उसको ब्रिटेन ले जाया जाता था, और यहां पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूली की जाती थी, जिसकी वजह से हमारे पास कैपिटल कुछ बचा नहीं था। इसके लिए बोला था इंडस्ट्रियल बेस ऑफ आवर इकोनॉमी वॉज वेरी पुअर। हमारी इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल बेस क्या था? बहुत ही पुअर। द इंडस्ट्रीज वेयर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज। जब अंग्रेज यहां से छोड़ करके गए तो ऑलमोस्ट सब कुछ लूट कर चले गए थे, हमारे पास कुछ था नहीं, एंड इंडस्ट्रीज वेयर फेसिंग मेनी डिफिकल्टी, बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना हमें करना पड़ रहा था, लाइक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मार्केटिंग प्रॉब्लम हमारे सामने थे, एटसेट्रा। हाउएवर द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरेबली एनहांसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और धीरे धीरे हम क्या कर रहे थे? बिजनेस करने के जो तरीके हैं उसको आसान करते जा रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज क्या हो? डेवलप हो। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत बार ये जो पंचवर्षीय योजना होती है ना, 5-year plan, उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को महत्व दिया। ज्यादा से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या दे? लोन प्रोवाइड करे, ठीक है, ताकि हमारे यहां पर भी एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो? डेवलप हो। कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वराइज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री, एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमने देखा स्टार्टिंग में भी, कभी मिलिट्री के जो लीडर थे उनको एंटरप्रेन्योरशिप बोलना जा रहा था, तो फिर कभी कॉन्ट्रैक्टर है, आर्किटेक्ट है, उनको एंटरप्रेन्योर बोला जाने लगा। तो इसका जो मीनिंग है ना, ये डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिव है, इट डिपेंड अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, डिपेंड अपॉन कंट्री टू कंट्री, एंड डिपेंड अपॉन टाइम टू टाइम। मतलब हर एक समय में हो सकता है, या हर एक इंडस्ट्री में, हर एक कंट्री में इसकी अलग अलग परिभाषा हो सकती है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है।
इकोनॉमिस्ट नेवर हैड अ कंसिस्टेंट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर. तो इकोनॉमिस्ट की कभी एक ही राय इस बात में नहीं हुई, वो कभी सिमिलर डेफिनेशन दे पाए नहीं, ठीक है. और एंटरप्रेन्योरशिप, द वर्ड एंटरप्रेन्योर, ये जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब. कौन से वर्ब से है? फ्रेंच वर्ब, ठीक है. और फ्रेंच में इसको क्या बोला गया? एंटरप्रेन्योर, ठीक है. इट मींस टू अंडरटेक. टू अंडरटेक का मतलब कोई काम स्टार्ट करना, कोई चीज अपने हाथ में लेना, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इसको हम बोलते हैं टू अंडरटेक. और इसी के लिए ये जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने का, है ना. एंड एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी. पैसा बनाने के लिए वो रिस्क लेने के लिए हमेशा क्या रहता है? तैयार रहता है. प्रॉफिट कमाने के लिए वो रिस्क लेने के लिए रेडी है. द कॉमन कीवर्ड बिजनेस एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड. ये जो वर्ड है बिजनेस, बिजनेसेस एंड रिस्क, ये दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड. क्यों इंटर रिलेटेड है? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिस्क फेस करना ही पड़ेगा. देयर इज नो बिजनेस विदाउट रिस्क. हर एक बिजनेस में अपने टाइप का रिस्क होता है. अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, है ना. इसके लिए यहां पर क्या बोला गया है कि बिजनेसेस में जो कॉमन कीवर्ड है वो क्या है? रिस्क. बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं. इफ देयर इज नो रियल बिजनेस और रिस्क, अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर. अगर रियल बिजनेस नहीं होगा या उसके अंदर रिस्क नहीं होगा तो हम उस पर्सन को क्या नहीं बोल सकते? एंटरप्रेन्योर नहीं बोल सकते, ठीक है. द स्मॉल बिजनेसमैन हु हैज फाउंडेड योर नेबरहुड ग्रोसरी शॉप इज एन एंटरप्रेन्योर. तो छोटा बिजनेसमैन क्यों ना हो जिसने ग्रोसरी शॉप ओपन किया है, तो वो भी क्या ले रहा है? अपने लेवल का रिस्क ले रहा है. वो भी उतना पैसा लगा रहा है और पैसा डूब गया तो उसके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है, तो वो भी कौन है? एंटरप्रेन्योर है. तो कोई भी पर्सन जिसने बिजनेस स्टार्ट किया और रिस्क उठा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर बोलेंगे. द फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप लॉन्ड्री सर्विस अक्रॉस द स्ट्रीट इज एन एंटरप्रेन्योर. जो आपके यहां पर धोबी है, धोबी वाले में ना लॉन्ड्री सर्विस जो प्रोवाइड करता है, अगर किसी ने धोबी का काम स्टार्ट किया तो वो भी कौन है? एक एंटरप्रेन्योर है. मतलब एंटरप्रेन्योर ऐसा कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ऐसा नहीं है. जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करके रिस्क लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. द फाउंडर ऑफ मल्टी बिलियन रिलायंस कंपनी लिमिटेड विथ हिज हाईटेक वर्ल्ड लीडिंग एप्लीकेशन इज एन एंटरप्रेन्योर. तो यहां पर रिलायंस कंपनी लिमिटेड जो जिसने स्टार्ट किया, धीरूभाई अंबानी, है ना, वो भी कौन है? एंटरप्रेन्योर है. फ्रीलांसिंग प्लम्बर, ऐसा प्लम्बर जो फ्रीलांसिंग मतलब अपने हिसाब से काम करता है, उसको कॉल आता है तो जाता है. एंड अनक्लॉक्स योर ड्रेन इज एन एंटरप्रेन्योर, उसको भी हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर बोलेंगे. मतलब वो कोई छोटा से छोटा पर्सन होने दो या बड़ा से बड़ा बिजनेस टाइकून होने दो, अगर वो कोई बिजनेस या सर्विस प्रोवाइड करके रिस्क लेता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, ठीक है. एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स The willingness of an individual to start a new business. So entrepreneurship क्या होता है? Entrepreneur तो समझ में आ गया, entrepreneur किसको बोलते हैं? Entrepreneurship मतलब कोई भी ऐसे person का willingness, willingness मतलब इच्छा, ठीक है. कौन सी इच्छा? To start a new business, नया business करने की इच्छा अगर किसी के दिमाग में है तो वो क्या है? Entrepreneurship. Business venture by taking risk and managing it in this technology enabled competitive global environment. तो कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा रखता है कि वो इस competitive global environment में कोई business start करे तो वो person entrepreneurship के बारे में सोच रहा है. Clear है? The entrepreneurs are passionate to innovate. जो entrepreneurs होते हैं वो कुछ नया कर दिखाते हैं, innovation के लिए passionate होते हैं. To lead, लोगों को क्या करते हैं? लीड करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं. इन्वेंट और पायनियर विद अ डिसरप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी. क्या करते हैं? कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं या
उसकी नींव रखते हैं, न्यू चीज का लॉन्च करते हैं, तो ये होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। द एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेटेड टू इनोवेट, लीड, इन्वेंट और पायनियर विथ डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो गया, उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है। ठीक है, द साइज ऑफ द बिजनेस, द टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व, द एज और द फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर एटसेट्रा डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेस का क्या साइज होगा, उसका काम कितना होगा, उस व्यक्ति की एज कितनी होनी चाहिए, वो व्यक्ति कितना एजुकेटेड होना चाहिए, ये सारी बातें उस व्यक्ति को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती, रोक नहीं सकती क्या बनने से, एंटरप्रेन्योर बनने से, है ना। मतलब ये जो आइडिया है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये किसी को भी आ सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ बिजनेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो कोई भी क्या बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सिमिलरली द लेबल ऑफ सक्सेस इज सक्सेस और फेलियर ऑल्सो डज नॉट मैटर। और इसके लिए क्या है, क्या बताएं यहां पर, कि आप सक्सेसफुल हो या फेलियर हो ये मैटर करता नहीं है। मतलब आप एंटरप्रेन्योर हो इससे ये कोई बात रिलेट नहीं करते कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो। ऐसा एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है जो अनसक्सेसफुल हो, बट उसने बिजनेस तो किया, उसने रिस्क तो लिया, भले वो फेल हो गया, बट फिर भी उसको हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु हैव द करेज टू ऑफर एंड टू शेयर एन आइडिया और अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विद द वर्ल्ड। देखो अभी धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं उनकी नई नई बातें। एंटरप्रेन्योर वो है जिनके पास साहस है, करेज है, किस चीज का साहस है, टू ऑफर एंड टू शेयर एन आइडिया, एक नया आइडिया जो बिजनेस को दे सके, एक नया प्रोडक्ट या सर्विस बिजनेस को दे सके, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। देखो अभी ऊपर इन्होंने क्या बोला था, हर एक वो व्यक्ति जो बिजनेस करता है ना, उसमें प्लम्बर का भी नाम ले लिया, हमारा जो किराना शॉप वाला है, ग्रोसरी शॉप वाला है, उसको भी उन्होंने एंटरप्रेन्योर बोल दिया। लेकिन अब धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन है, जो व्यक्ति के पास क्या है, करेज है, किस चीज का करेज है, टू ऑफर एंड टू शेयर एन आइडिया और अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ वो अपना कोई नया आइडिया, न्यू विचार या नया प्रोडक्ट क्या करना चाहता है, शेयर करना चाहता है, ऐसा उसके अंदर करेज है। करेज क्यों बोला, क्योंकि शेयर करने के लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट, कुछ बनाओगे दिखाओगे तभी बिकेगा ना। दे ट्राई टू मेक मार्केट अ बेटर प्लेस वेयर द नीड्स ऑफ कंज्यूमर कैन बी सेटिस्फाइड। वो मार्केट को एक अच्छा प्लेस बनाते हैं जहां पर कंज्यूमर का जो वॉन्ट है, जो उसका नीड है, वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। ठीक है, डेफिनेशन अभी देखो, डेफिनेशन पे आ जाओ। हॉवर्ड स्टीवेंसन, अ लॉन्ग टाइम प्रोफेसर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, डिफाइंस। तो उन्होंने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, एंटरप्रेन्योरशिप इज द परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्स कंट्रोल। क्या बोल दिया, परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्स कंट्रोल। मतलब आप जब ऐसा पर्सन जो अपॉर्चुनिटी देखते ही ग्रैब करता है, भले उसके पास रिसोर्सेस कम हो या ना हो, बियॉन्ड रिसोर्स कंट्रोल, वो रिस्क लेता है तुरंत। आपने कभी ये पर्सन का नाम सुना, जैक मा, चाइनीज पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है, या आप उसको बिजनेस टाइकून बोल सकते हैं, जिसका खुद का alibaba.com करके एक वेबसाइट है, जैसे amazon.com है, आपको सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, वैसे उसका alibaba.com ये प्रोडक्ट है, ये उसका वेबसाइट है। तो ये जो पर्सन है जैक मा, एक बार वो स्पीच दे रहा था, और स्पीच देते समय उसने बताया कि अगर आप जहां पर बिजनेस कर रहे हो और सारी परिस्थिति आपके अनुकूल है, दैट मींस एनवायरमेंट इज फेवरेबल टू यू, विच एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, टैक्स आपको प्रॉपर लगा रही है, आपको रिसोर्सेस सही जगह से मिल जा रहे हैं, कम प्राइस में मिल जा रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है अगर, तो डोंट डू बिजनेस देयर, देयर इज लेस चांस ऑफ ग्रोथ,
उसने क्या बताया, अगर वहां पर सारी चीजें आसानी से आपको मिल जाती है ना, तो वहां पर फास्ट ग्रोथ होने का चांसेस बहुत कम है। मतलब आप फास्ट तरीके से ग्रो कहां कर पाते हो, जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, तकलीफ होगा। क्योंकि अगर सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी, सहूलियत मिल जाएगी, तो वहां पर सब लोग आकर के बिजनेस करेंगे, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है ना, वहां पर सब लोग जाते नहीं है। एक जो इनोवेटर होगा वही वहां पर पहुंचता है। ये बात समझ में आई क्या? तो यहां पर वही बात की गई है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? अ पर्सन जो क्या करने को तैयार है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार है, बियॉन्ड रिसोर्स कंट्रोल, है ना, जिसको रिसोर्स कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब उसके पास रिसोर्सेस हो ना हो, कम हो, वो उसकी परवाह नहीं करता। अपॉर्चुनिटी मिली है ना, वो उसको तुरंत ग्रैब करता है और उसको कन्वर्ट करता है प्रॉफिट में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। वेबस्टर डिक्शनरी गिव्स द डेफिनेशन। अब वेबस्टर डिक्शनरी भी डेफिनेशन दे रहा है, क्या दे रहे हैं? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। देखो वेबस्टर डिक्शनरी ने कैसा बता दिया, ऐसा पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये खतरा उठाने के लिए तैयार है कि उसका पैसा डूब भी सकता है। ये वो खतरा उठा रहा है, रिस्क उठा रहा है ना। हर एक बिजनेसमैन ऐसा होता है, वो यही सोचता है मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर रहा हूं, अगर नहीं चलेगा तो आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क, आई एम रेडी टू बियर दैट लॉस, ये लॉस उठाने के लिए मैं तैयार हूं, बट मैं रुकूंगा नहीं, है ना। जैसे कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसको पता है हमारी जो शिप है वो किनारे पे सबसे ज्यादा सेफ है, उसको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। लेकिन क्या शिप किनारे पे रखने के लिए बनी होती है? नहीं, उसको समंदर में जाना होता है कि नहीं। तो कैप्टन ऑफ द शिप इज ऑलवेज रेडी टू टेक द रिस्क फॉर हिज वोयेज, उसके जो ट्रैवलिंग के लिए वो हमेशा क्या लेने को तैयार है, रिस्क लेने को तैयार है। ऐसे बिजनेसमैन भी होता है, उसको मालूम है कि मैं जो पैसा लगा रहा हूं शायद वो डूब सकता है, शायद ना, ऐसे तो उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसे आएंगे, बट शायद अगर डूब भी गए तो भी मैं लॉस सह लूंगा। ऐसा पर्सन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या डिफाइन करता है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू डू सो। क्या बताएं, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है या ऑपरेट करता है बिजनेस को या कुछ बिजनेसेस को, टेकिंग ऑन ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क, जिसका रिस्क बाकी के कंपेयर में ज्यादा होता है। मतलब जहां पर रिसोर्सेस कम होंगे, जहां पर परिस्थिति प्रतिकूल होगी, अनुकूल नहीं होगी, है ना, मतलब कुछ एनवायरमेंट ऐसे होंगे जो अनफेवरेबल हो, तो भी वो वहां पर बिजनेस कर रहा है, मतलब बाकी कॉम्पिटिटर से वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे ना, आप कॉलेज के टीचर की बात छोड़ो, क्यों, मैं तो यहां पर सिंपल तीन डेफिनेशन जो आपके सामने उसकी बात ही करता हूं, है ना। यहां पर क्या हो जाता, आप तीनों डेफिनेशन देखो, अलग अलग बारे में बात कर रहे हैं। पहला डेफिनेशन किसने दिया, हार्वर्ड स्टीवेंसन, है ना, वो क्या बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड द रिसोर्स कंट्रोल। रिसोर्स कम हो तो भी कोई व्यक्ति अगर रिस्क लेकर के बिजनेस करता है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। वेबस्टर डिक्शनरी, इसमें हमने देखा डेफिनेशन क्या दिया है, ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, रिस्क लेने को तैयार है। कौन सा रिस्क, कि अगर उसका पैसा डूब गया तो भी वो चला लेगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। और फिर हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखा, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज और ऑपरेट्स बिजनेस और बिजनेसेस, एक बिजनेस हो या बहुत सारे बिजनेस हो, वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, टेकिंग ऑन ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क, वो नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क से ज्यादा रिस्क उठा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बोले। ठीक है ना, तो यहां पर उन्होंने इसके लिए स्टार्टिंग में बोल दिया, स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो उन्होंने क्या बोला था, इकोनॉमिस्ट नेवर हैड अ कंसिस्टेंट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। कोई भी इकोनॉमिक ने एक कंसिस्टेंट डेफिनेशन नहीं दिया,
फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं दिया, एंटरप्रेन्योर के डेफिनेशन सबके लिए अलग है, तो सर हम क्या करें, हमारे लिए कौन सा डेफिनेशन परफेक्ट रहेगा, हम कौन सा डेफिनेशन लिखे। तो भाई देखो, डेफिनेशन कोई भी हो, एग्जामिनर भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक में ये तीन डेफिनेशन दिया है ना, अब ये तीनों में से जो आपको इजी लगता है, परफेक्ट लगता है, बायाज कर लो और वही आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को, टीचर को पहले से पता है कि इसका डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग तरीके से दिया। समझ में आया? अभी फीचर्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर या फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लाइक क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन, एंथुजियाज्म, सिंसियरिटी एटसेट्रा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर मे बी ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलो। अब देखो, अब जो किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सर बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या होता है, तो जब हम ये कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस पता चलेगा कि बिजनेसमैन कौन है और एंटरप्रेन्योर कौन है। ठीक है, पहला क्या है? देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होती है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव थिंकर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? क्रिएटिव थिंकर होता है। मतलब क्रिएटिव थिंकर होने का मतलब क्या होता है? इसके पास कुछ नॉवेल्टी है, कुछ नई चीज है। ही हैज रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस। रीजनेबल तौर पे वो क्या है? होशियार है, इंटेलिजेंट पर्सन। ही हैज एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। कौन सी एबिलिटी है? कि वो बिजनेस सिचुएशन को क्या कर सकता है, उसका एनालिसिस कर सकता है। दिस एबिलिटी विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन, और इसी के कारण वो करेक्ट डिसीजन ले पाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर? एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं। अब उसको कंपेयर करते हैं, क्या बिजनेसमैन में ये क्वालिटी होती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कभी कभी बिजनेसमैन कैसा होता है, उसने देखा कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में रन कर रहा है ना, तो चलो मैं भी वो प्रोडक्ट बेचता हूं, है ना, और उसने शॉप खोल दिया, वो प्रोडक्ट बेच रहा है, चल रहा है, तो क्या वो एंटरप्रेन्योर हो गया? नहीं। इसके हिसाब से उसमें इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग, उसने कुछ नया नहीं सोचा, उसने जो मार्केट में चल रहा है ना वही बिजनेस ओपन कर दिया। तो ये क्या है, अब हम देखेंगे ना, तो ये मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा फिट हो रहा है। हमने जो ऊपर पढ़ा था वो हम क्या देख रहे थे, कैसे ये नाम एंटरप्रेन्योर आया, उसके अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन उसके बारे में बोला। तो छोटे से छोटा बिजनेसमैन होगा वो भी कौन है? एंटरप्रेन्योर है। वो हमने इनिशियल स्टेज में देखा, बट जब हम आप कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे, हमको क्लियर हो रहा है कि कौन एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर वो है जिसके पास क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, कुछ नया सोचने की ताकत है, इंटेलिजेंट है, और उसके पास एबिलिटी है कि वो बिजनेस सिचुएशन को इजीली एनालाइज कर सकता है। ठीक है, फ्यूचर विजन। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जिसके पास क्या है, फ्यूचर विजन है, आगे की सोचने की क्षमता है। इसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि। When I was in my school time, college time, 2002, in the year 2002, I have completed with my 10th standard, and 2005, I have completed with my 12th board. और उस समय पर जो ये period था, 2-3 साल का period, इसके अंदर जो Reliance industry है, उसने कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जाने का स्टार्ट किया, और एक एडवर्टीजमेंट आता था एक क्रिकेटर है जिसका नाम है वीरेंद्र सहवाग, तो वो नया नया उस टाइम पे लॉन्च किया गया था। तो एडवर्टीजमेंट में वो व्यक्ति आकर के बोलता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या बोलता था? कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्यों? क्योंकि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आ रही थी, कम्युनिकेशन मतलब ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो उन्होंने चीपेस्ट कॉल रेट्स देने का वादा किया, और ऐसा बताया कि आने वाले समय में जो छोटे से छोटा वेंडर है, सब्जी वाला भी है, पान वाला भी है, उसके पास भी क्या होगा? फोन होगा। अभी आपके लिए नई बात नहीं है, बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट
तो किसी के पास भी अगर सेल फोन होता था ना, तो हमारे दिल में उनके लिए बहुत बड़ी इज्जत हो जाती थी, अरे ये बड़े बाप की औलाद है। कैसा होता है अभी आज की तारीख में, आप लोग किसी के हाथ में एप्पल का फोन देख लो, है ना, आईफोन किसी के हाथ में देख लो, वो भी एकदम ब्रांड न्यू लॉन्च हुआ है, तो आपके दिमाग में कैसा होगा? तो सेम सिचुएशन अगर हम किसी के हाथ में फोन देख लेते थे ना, सेल फोन, वैसा होता था। तो हर एक के पास ये कैपेसिटी नहीं होती थी कि आप सेल फोन परचेस कर पाओ। घर में डब्बा रखा हुआ MTNL का, वो भी बहुत बड़ी बात है, सेल फोन तो सबके घर में होता नहीं था। और उस टाइम पे ये जो धीरूभाई अंबानी है, उन्होंने एक विजन दिया कि मेरी ऐसी सोच है कि 5 से 6 साल के अंदर क्या होने वाला है, सबके हाथ में मोबाइल फोन होंगे, सबके हाथ में सेल फोन होंगे। तो धीरूभाई अंबानी तो ये सपना पूरा नहीं कर पाए, बट वो बाद में चल बसे। और बाद में जो मुकेश अंबानी है, उन्होंने क्या किया, इस सपने को लेकर के आगे बढ़ाया और फिर चीपेस्ट मोबाइल फोन सबको प्रोवाइड किया। और धीरे धीरे सही में आगे आने वाले 2-3 साल में, उस समय जो गरीब से गरीब पर्सन था ना, वो भी हाथ में छोटा सा क्या लेता था, मोबाइल फोन। भले वो जैसे नोकिया का 6600 वाला फोन आता था, कीपैड वाला छोटा, वैसा फोन क्यों ना हो, लेकिन मोबाइल फोन तो था, वो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो धीरूभाई अंबानी के दिमाग में क्या था, फ्यूचर विजन। तो ऐसा एंटरप्रेन्योर के माइंड में होता है, वो फ्यूचर को देखते नहीं है, फ्यूचर क्रिएट करते हैं। उनको पता है कि आज से मैं जो तैयारी करूंगा ना, फ्यूचर में वही बनने वाला है। तो उनके पास क्या होता है, विजन होता है, वो फ्यूचर क्रिएट करते हैं, उनको पहले से दिखता है कि हम ये बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है। 90s के बाद 1991 से बहुत सारी कंपनीज में इंडिया में टैग्ड वाटर बॉटल बेचने का सोचना स्टार्ट किया। तो एडवर्टीजमेंट जब आया कि अभी मिनरल वाटर आपको बॉटल में पैक होकर के मिलेंगे, तो बहुत सारे लोग ना, मतलब इस विजन से हंसते थे कि अरे इधर इंडिया में इतने सब गरीब लोग हैं, वो नल का पानी पिएंगे कि आपका बॉटल का पानी, और बॉटल का पानी कौन खरीद के पीने वाला है, हाँ पानी भी कोई बेचता है क्या, ऐसे ऐसे सब स्लोगन बोलने लगे। बट ये स्टार्टिंग में था। बट धीरे 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 देखो उस व्यक्ति का विजन कितना होगा। आज वाटर बॉटल आप लेने जाओ, 1 लीटर का बॉटल 20 से 25 रुपए में आता है कि नहीं, 20 to 25 रुपीज में 1 लीटर का बॉटल आता है, तो कितना महंगा हो गया और बिक रहा है। अब ज्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं ना, घर से वाटर बॉटल कैरी नहीं करते, क्या करते हैं भाई, परचेस करते हैं, पी लेते हैं, यूज एंड थ्रो, प्लास्टिक बॉटल फेंक दिया, कैरी कौन करेगा, है कि नहीं। तो ये ट्रेंड बन गया है कि पैक्ड वाटर बॉटल क्या होगा, पीना है करके। तो उस समय पर लोग क्या करते थे, हंसते थे कि इंडिया में आप पैकेट वाला वाटर बॉटल नहीं सेल कर सकते। लेकिन जिसका ऐसा विजन था ना कि नहीं ये होगा, उसने ये करके दिखाया। तो ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके पास क्या होता है, विजन होता है कि मार्केट में क्या चलेगा, मैं इस चीज को चला सकता हूं, बेच सकता हूं। द एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड फोरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। फोरसाइट मतलब तो देख सकते हैं, उनके पास विजन है कि फ्यूचर का मार्केट सिचुएशन क्या होगा। ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे देखो अभी बहुत सारे लोगों का विजन है, विजन क्या है, अभी धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है, सत्य हो रहा है कि इंडिया में क्या चलने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं बहुत बार अपने एग्जांपल में इस चीज को यूज करता हूं। आने वाले 5 से 7 साल में क्या होगा, ज्यादातर जो व्हीकल है ना, वो कन्वर्ट कर दी जाएंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। क्यों, ऑलरेडी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो जो एंटरप्राइजेस अभी भी सोच रहा है नहीं नहीं पेट्रोल का जमाना तो कभी जाएगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सारी की सारी कारें इलेक्ट्रिक की हो, तो वो लोग गलत सोच रहे हैं और ये होगा, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी ने अपने व्हीकल को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है, वो अभी दोनों बनाते हैं, पेट्रोल डीजल कार भी बनाते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वो फ्यूचर की तैयारी अभी से कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इनके पास एबिलिटी होती है, फोरसाइट होता है, दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन, और इसी की वजह से वो क्या ले सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड चेंजेस इन द मार्केट। मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, कैसे चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से वो लोग डिसीजन लेते हैं।
सो ही कैन टेक टाइमली एक्शन फॉर द सेम. तो उसको वो पता होता है कि आगे की सिचुएशन कैसी हो सकती है, लोगों का बिहेवियर कैसा हो सकता है, मार्केट कंडीशन कैसा हो सकता है, और उसी के हिसाब से वो टाइमली डिसीजन लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. सेकंड वन फ्यूचर विजन होता है. थर्ड वन हार्डवर्क. एक एंटरप्रेनर के अंदर हमेशा क्या होता है, हार्डवर्क होता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है. देखो बिजनेसमैन और एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर हार्डवर्क हमेशा करते रहता है. बिजनेसमैन होता होगा, ऐसा भी होता होगा बिजनेसमैन हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, लेकिन घर पे आकर के चैन की नींद सोता है, फिर दूसरे दिन से बिजनेस करना स्टार्ट करता है. बट जो एंटरप्रेनर होता है ना, वो हमेशा इनोवेटिव तरीकों को सोचता है. आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे इलॉन मस्क, इसके बारे में आपने सुना होगा, कई बार मैंने भी बताया. इलॉन मस्क, इसने स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, उसने गेम का सॉफ्टवेयर बनाया कम उम्र के अंदर, एट द एज ऑफ 12 आई थिंक, और उसने उसको सेल किया $500 में. और बाद में जब उसने अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया, तो उसने सोलर सिस्टम के ऊपर या जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करने की सोची, और फिर उसने अपना इन्वेस्टमेंट स्पेसएक्स जैसे कंपनी में किया, और उसके अलावा उसने टेस्ला कंपनी में पैसे लगाए जिसने ई व्हीकल का आइडिया स्टार्ट किया, है ना. तो ये ऐसा पर्सन है जिसने क्या किया, बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं, और जहां पर इसका सैचुरेशन आ जाता ना कि ठीक है ये बिजनेस मैंने बहुत कर लिया, तो तुरंत वो जंप करता है न्यू आइडियाज पे, है कि नहीं. तो उसने क्या किया, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसको आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, है ना, ई वॉलेट वगैरह जो आजकल की तारीख में चलता है. तो उसने भी उसके अंदर अपना डायरेक्टरशिप किया था और उस बिजनेस को उसने चलाया था. बाद में उसको लगा कि ये सैचुरेट हो गया है, मेरे पास इसके लिए अब इतना टाइम नहीं है, मुझको और नया कुछ सोचना है. तुरंत उसने क्या किया, उसको सेल किया और स्पेसएक्स में चला गया, उसको बेच करके, है ना, टेस्ला में चला गया. तो ये क्या करते हैं, न्यू न्यू इनोवेशन की तरफ भागते हैं. तो इनका हार्डवर्क इनके अंदर बहुत ज्यादा रहता है. ओके, एन एंटरप्रेनर इज रेडी टू वर्क हार्ड. एंटरप्रेनर हमेशा तैयार रहता है हार्डवर्क के लिए. इट इज मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड. कभी भी कोई नया वेंचर स्टार्ट किया जाए तो हार्डवर्क बहुत जरूरी है. बिना आपके मेहनत के आपका एम्पायर खड़ा नहीं हो सकता, आपका बिजनेस डेवलप नहीं हो सकता है, ग्रो नहीं कर सकता है. ही हैज टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. उसको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है. जैसे मैंने इलॉन मस्क का एग्जाम्पल दिया, जब भी उसने पैसा लगाया था स्पेसएक्स के अंदर और टेस्ला के अंदर भी उसने पैसा लगा दिया, तो कई बार उसको फेलियर का सामना करना पड़ा. यहां तक कि रिसेंटली मैं एक साल पहले की बात करूं तो ई व्हीकल जब वो बना रहा था तो उसने 25,000 कार्स का टारगेट ले लिया विद इन अ ईयर, और मुश्किल से वो 1,000 कार्स भी कंप्लीट नहीं कर पाया. कितना नहीं कर पाया, 1,000 कार. तो नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया, उसने अपना पूरा डेडिकेशन ज्यादातर टेस्ला कंपनी में दिया. इवन 16 आवर्स वो कंपनी में ही रहता था. उसके एम्प्लॉइज ने कई बार बताया कि सर तो क्या करते हैं, इधर टेबल पे ही सो जाते हैं, जितनी मेहनत हम नहीं करते हमसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, सर करते हैं, है ना, इलॉन मस्क के बारे में. तो इतना हार्डवर्क खुद करना पड़ता है अगर आपको बिजनेस को क्या करना है, ग्रो करना है. Many a time he has to handle the main area of business independently. कई बार क्या होता है, उसको अकेले ही जो main area है उसको handle करना पड़ता है, क्योंकि vision उसके पास है, उसको क्या चाहिए वो उसको पता है, है कि नहीं. तो main areas of business कई बार उसको handle करने पड़ते हैं. This will make him successful. और इसी hard work की वजह से उसको क्या मिलती है, success मिलती है. He became successful. टेक्निकल नॉलेज. एक एंटरप्रेनर को हमेशा टेक्निकल नॉलेज होता है. मतलब आप पार्टनरशिप के बेसिस पे एंटरप्रेनर नहीं बन सकते. मैंने पैसा लगा दिया, है ना, फॉर एग्जांपल कोई रोबोटिक वर्क है तो मेरा फ्रेंड इंजीनियर है, मैंने बोला मैं पैसा लगाता हूं तू काम कर, पूरा टेक्निकल सपोर्ट तेरा, पैसा मेरा, तो क्या मैं एंटरप्रेनर हो गया? नहीं, मैं तो सिर्फ इन्वेस्टर हो गया, मैं सिर्फ बिजनेसमैन हो गया. जबकि दिमाग कौन लगा रहा है, वो जो इंजीनियर है वो दिमाग लगा रहा है कि नहीं.
अगर आप एक एंटरप्रेनर बनना चाहते हो तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। आपके फैक्ट्री में कोई मशीन कैसे काम करती है ये आपको पता होना चाहिए। सपोज आपने एक बिजनेस ऐसा स्टार्ट करने का सोचा कि सपोज मैं एक कार परचेस कर लेता हूं, एक ड्राइवर रख लूंगा और उसको क्या करूंगा, टैक्सी चलाने के लिए दे दूंगा और एक फिक्स्ड इनकम मेरे लिए बन जाएगी, है ना। ड्राइवर को मैं उसका सैलरी दे दूंगा और उसके टैक्सी चलाने से जो भी पेमेंट आता है वो मैं रख लूंगा। तो इसके अंदर अगर आपको कार चलानी नहीं आती, सपोज कुछ प्रॉब्लम हुआ, ड्राइवर किसी दिन नहीं आया, तो गाड़ी कौन चलाएगा? आप दूसरा ड्राइवर मंगाओगे, ज्यादा पेमेंट उसको दोगे। इससे अच्छा तो क्या होता, आपको कार चलानी आती और आप खुद ही क्या करते थे, उस पोजीशन को संभालते थे, है कि नहीं। तो टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फैक्ट्री में कौन सी मशीन कैसे काम करती है। तो ये किसकी जवाबदारी है? एंटरप्रेनर की जवाबदारी। ही शुड हैव टेक्निकल नॉलेज, एंड एंटरप्रेनर हैज गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस। द एंटरप्रेनर has the ability to update himself. उसके पास ability है कि हमेशा वो अपने आप को क्या करता है, अपडेट करता रहता है with the latest knowledge about the product, process and technology. जो latest knowledge है regarding product, process and technology, ये हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, अपडेटेड रखता है। कम्युनिकेशन स्किल, जो entrepreneur है उसमें वाक्पटुता होती है। वाक्पटुता मतलब कम्युनिकेशन स्किल, है ना। किसी भी पर्सन को क्या करता है, कन्विंस कर सकता है, ऐसी स्किल उसके अंदर होती है। उसको हम बोल सकते हैं बेटर सेल्समैनशिप, ही इज अ बेटर सेल्समैन। एंड एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल लाइक कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय एटसेट्रा। ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडिया एंड स्ट्रेटेजीज इफेक्टिवली। तो उसका क्या आइडिया है, उसका क्या विजन है, उसका क्या स्ट्रेटेजी है, वो उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सके, अपने एम्प्लॉय तक पहुंचा सके, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। इट इज नेसेसरी दैट देयर इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। आपका कम्युनिकेशन कब क्लियर होगा, जब उसके अंदर क्या हो, क्लैरिटी हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। जो मैसेज मैं भेजना चाहता हूं, जैसा भेजना चाहता हूं, वैसा ही आपके पास पहुंचा और आप वही समझे, तब जाकर के वो मैसेज क्या होता है, क्लियर होता है। उसको हम बोलते हैं बेटर कम्युनिकेशन, है ना। नहीं तो ऐसा ना, एम्प्लॉय बोलेंगे अरे बॉस का तो काम ही चिल्लाना, बक 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 करते रहते हैं, टारगेट देके चले जाते हैं, है ना, हर बात सुनने जैसी नहीं रहती। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना इंटेंसिटी बॉस के अंदर है, सुपीरियर के अंदर है, वही इंटेंसिटी वर्क के लिए किसके अंदर आ जानी चाहिए, सबॉर्डिनेट के अंदर। डुप्लीकेशन होना चाहिए, है ना। बॉस रात भर जाग करके काम कर रहा है और एम्प्लॉई सोता रहे तो क्या फायदा, आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाए नहीं। आपको पता है आपका विजन क्या है, आपको पता है आपको कंपनी को कहां से कहां लेकर के जाना है। तो ये जो एबिलिटी है आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आप क्या देना चाहते हो वर्ल्ड को, ये अपने एम्प्लॉई को बताना पड़ेगा, ठीक है। और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बैठना चाहिए आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच में, या अदर पर्सन के बीच में जिनका नाम हमने यहां पर लिया। कस्टमर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, क्रिएटर हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, तब जाकर के आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या होगा, अच्छा होगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब यहां पर क्या हो गया, सकारात्मक। मैंने बीच में एक एड देखा था इरफान खान जिनका रिसेंटली देहांत हो गया, तो वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और कुछ बात करते रहते हैं सामने वाले से, तो उनका जो एम्प्लॉय होता है वो बोलता है सर इट इज टू डिफिकल्ट, ये जो प्रोजेक्ट है क्या वो डिफिकल्ट है। आपने भी देखा होगा ये वीडियो, व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ था। तो जो इरफान खान रहता है वो रिप्लाई देता है कि क्या क्या वर्ड बोला आपने, डिफ करके। उसने बोला सर डिफिकल्ट वर्ड नहीं सुना क्या आपने? तो इरफान खान जवाब देता है कि अगर ये डिफिकल्ट वर्ड सुना होता ना तो ये फैक्ट्री नहीं होती थी। ये बात समझ ना, ये अपने आप में एंकरेजिंग है। तो मतलब क्या होता है, ये जो एंटरप्रेनर होता है ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब बहुत सकारात्मक, आप ना बोलो ही मत, मैंने बोल दिया कि मैंने ये विजन देखा है और इसको मैं पूरा करूंगा। मतलब मैंने जो ड्रीम देखा है, सपना देखा है, उसको पूरा करने की काबिलियत मेरे पास है और मैं ऐसे काम करूंगा तो वो सक्सेसफुल होगा ही,
ऐसा वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, उसको कोई निगेटिव कर सकता नहीं है। उल्टा ये निगेटिव लोग को क्या करता है, पॉजिटिव करता है। इसके साथ जो लोग जुड़े होते हैं ना वो इसको देख करके पॉजिटिव हो जाते हैं, इसकी मेहनत को देख करके पॉजिटिव हो जाते हैं और इसी का रिजल्ट इसको मिलता है। दैट्स व्हाई ही इज एन एंटरप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, उसको हमेशा कैसा सोचना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए, ठीक है। ही इज ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट सिचुएशंस इवन इन फेलियर टाइम्स। कभी कभी फेलियर के समय भी है ना, प्रोडक्ट नहीं चला ठीक है, लेकिन तो भी क्या होता है, तो लोगों का साहस बढ़ाता है, कोई बात नहीं इस बार नहीं हुआ हम लोग अगले टाइम अचीव करेंगे। वो कभी भी निराश नहीं होता, हताश नहीं होता, हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। सच पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स हिम टू रन हिज बिजनेस सक्सेसफुली, और इसी की वजह से वो बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाता है ना। तो हर एक एंटरप्रेनर में ये एबिलिटी होती है, कौन सी एबिलिटी, Highly optimistic, risk bearing capacity, ये तो होना ही चाहिए। हर एक entrepreneur क्या लेता है, risk लेता है, तो उसके पास risk bearing capacity है। Successful entrepreneur take calculated risk, कैसा risk लेते हैं, calculated, मतलब वो ऐसे समझ के चलते हैं, चलो इसमें मेरे को loss हो गया ना तो भी मैं सहन कर लूंगा, उतना मैं चला के ले लूंगा, इतनी मेरी capacity है ना, तो calculated risk वो लेते हैं। He is ready to face challenges and always seek new and more opportunity. हमेशा वो नए नए opportunities के मौके की तलाश में रहता है कि कहां से इस opportunity को मैं क्या कर सकूं, grab कर सकूं, नया business develop कर सकूं। Self-confidence, ये तो फुट-फुट के भरी है उसके अंदर, है ना। आत्मविश्वास ये बहुत ज्यादा होता है किसके अंदर, entrepreneur के अंदर। An entrepreneur has self-confidence. He has positive desire to achieve his goals. उसके goal को achieve करने के लिए उसके अंदर क्या रहता है, सकारात्मक इच्छाएं होती हैं। Such self-motivation keeps him strong and confident to face various obstacles. तो ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डें आती है उसके मार्ग के अंदर, लेकिन ये जो पॉजिटिवनेस है, ये जो मोटिवेशन है, यही इसको क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाता है, अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर पाता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये 8 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 क्या था, बहुत ही इजी है, पहला था इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, ठीक है ना, होशियार होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 फ्यूचर विजन, उसका विजन क्लियर होता है, वो आगे की सोच रखता है, वो देख पाता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, सिचुएशन को एनालिसिस कर पाता है और इसके हिसाब से वो डिसीजन ले पाता है। वर्क हार्ड, वो अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए किसी भी लेवल की मेहनत के लिए तैयार रहता है, वो कभी भी मेहनत से पीछे हटता नहीं है, हमेशा हार्ड वर्क करता है और यही उसको सक्सेसफुल बनाती है। टेक्निकल नॉलेज, हर एंटरप्रेनर को क्या होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज रखना चाहिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या मशीन्स कैसे वर्क करती है, कौन सा सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है, उसके पास उस सबका नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, उसका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, क्यों, ही इज अ लीडर, और लीडर को लीड करने के लिए अपने जो आइडियाज है, अपना जो विजन है, वो शेयर करना पड़ता है, और वो शेयर इस तरीके से करना पड़ता है कि उसका डुप्लीकेशन हो, जितनी एंथुजियाज्म आपके अंदर है उतना एंथुजियाज्म उसके अंदर आ जाए, किसके अंदर, एम्प्लॉय के अंदर, और वो उसी एंथुजियाज्म के साथ काम करें, तो जाकर के आपका ड्रीम कंप्लीट होगा। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होना, है ना, कई बार वो फेल होता है बट उससे वो निराश होता नहीं है, हताश होता नहीं है, बल्कि उसके साथ में जो जुड़े हुए लोग है ना उसको वो क्या करता है, मोटिवेट करता है। आपने देखा होगा जब हम लोग चंद्रयान 2 लॉन्च कर रहे थे तो जो चेयरपर्सन थे श्री हरि कोटा, है ना, इसरो के चेयरमैन, वो क्या कर रहे थे, उनको बहुत आशा थी कि हम लोग सक्सेसफुली क्या कर लेंगे, लैंड कर लेंगे, बट लास्ट मोमेंट पे क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो उसमें ऐसा हो गया, इतने इमोशनल हो गए कि वो एक हिसाब से जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके सामने वो रोने लगे, बट हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, उनको उनका ढाढ़स बढ़ाया और बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम और अच्छी तैयारी के साथ में चंद्रयान 2 का जो मिशन फेल हुआ है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हर एक पर्सन जो एंटरप्रेन्योर है वो दूसरे को क्या करता है, ऐसे मोटिवेट करता है, अगर फेलियर का सामना करना पड़े
तो भी ठीक है। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, तो एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होना चाहिए, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो कैलकुलेटेड रिस्क ले सके। उसको पता होना चाहिए कि इनकेस अगर इसके अंदर मुझे लॉस हो गया तो भी मैं आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और यही उसे क्या देता है, ताकत देता है, ठीक है। तो आज इतना ही, डन फॉर द डे, हम लोग एंड करते हैं लेक्चर। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।